हेलो दोस्तों, आप सबका कक्षा 11 हिंदी विषय के अध्याय 11 नमक का दारोगा के अभ्यास प्रश्न उत्तर की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर 1 से लेकर 10 तक सभी के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं और उसी कड़ी में आज हम अध्याय 11 के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? इस कहानी नमक का दारोगा का कौन सा पात्र आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और क्यों करता है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। हमें इस कहानी का पात्र जो बंसीधर है वो सबसे अधिक क्या करता है, प्रभावित करता है। अब कारण क्या है वो देखें, क्योंकि वह ईमानदार, शिक्षित, कर्तव्यपरायण व धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। उसके पिता उसे बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं, घर की दयनीय दशा का हवाला देते हैं, परंतु वह इन सब के विपरीत ईमानदारी का क्या करता है, व्यवहार करता है। वह स्वाभिमानी व्यक्ति है। अदालत में उसके खिलाफ गलत फैसला लिया गया, परंतु उसने अपना स्वाभिमान नहीं खोया। उसकी नौकरी छीन ली गई, कहानी के अंत में उसने अपनी ईमानदारी का फल मिला है। पंडित अलोपी दीन ने उसे अपनी सारी जायदाद का आजीवन क्या बनाया, आजीवन मैनेजर बना दिया। इस तरह उसे अपनी ईमानदारी का फल प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 2। नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं, यानी इस कहानी नमक का दारोगा में जो पंडित अलोपी दीन है उनके व्यक्तित्व की कौन सी ऐसी दो बातें हैं जो उभर कर सामने आती है। इसका उत्तर होगा, पंडित अलोपी दीन अपने क्षेत्र के नामी गिरामी सेठ हैं, यानी जाने माने सेठ थे। सभी लोग उनसे क्या लेते थे, कर्जा लेते थे। उनको व्यक्तित्व एक शोषक महाजन का सा था। उनका जो व्यक्तित्व है वो एक शोषक महाजन के रूप में था, पर उन्होंने सत्यनिष्ठा को भी क्या किया, मान लिया है। उनके व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषता उभर कर सामने आती है। पहली विशेषता है लक्ष्मी उपासक। उन्हें धन पर अटूट विश्वास था। वे सही गलत दोनों ही तरीकों से क्या करते थे, धन कमाते थे। नमक का व्यापार इसी की क्या है, मिसाल है। साथ ही साथ वे कठिन घड़ी में धन को भी अपना एकमात्र हथियार मानते थे। उन्हें विश्वास था कि इस लोक से उस लोक तक संसार का प्रत्येक काम लक्ष्मी जी की दया से संभव होता है। इसीलिए बंसीधर की धर्म निष्ठा पर उन्होंने उछल उछल कर क्या किए थे, वार किए थे। और दूसरा उनका जो व्यक्तित्व है वो आता है ईमानदारी के कायल, यानी वो धन के उपासक यानी पुजारी होने के साथ साथ उन्होंने बंसीधर की ईमानदारी का भी क्या किया है, सम्मान किया है। वे स्वयं उसके द्वार पर पहुंचे और उसने अपनी सारी जायदाद सौंप कर मैनेजर के स्थायी पद पर बंसीधर को क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। उन्हें अच्छा वेतन, नौकर चाकर, घर आदि इज्जत देकर सब बख्शा, आदि देकर क्या बख्शी, इज्जत बख्शी। तो इस तरह इस कहानी में अलोपी दीन के दो व्यक्तित्व उभर कर सामने आते हैं। एक वो लक्ष्मी के बहुत बड़े पुजारी थे, यानी वो धन करो सब कुछ मानते थे, और साथ ही साथ वो ईमानदारी के भी कायल थे, यानी ईमानदारी की वो प्रशंसा करते थे, उसकी पूजा करते थे, ईमानदारी के बहुत बड़े दीवाने थे। अगला प्रश्न, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को क्या करते हैं, उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि ये समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। पहला, वृद्ध मुंशी, वकील और शहर की भीड़, ये समाज की किन विशेषताओं को उजागर करते हैं यह आपको बताना है। पहला है वृद्ध मुंशी। तो ये बंसीधर के पिता हैं, जो भ्रष्ट चरित्र का प्रतिनिधि है। इसे धन में ही सब कुछ दिखाई देता है। वह अपने बच्चों को ऊपर की कमाई तथा आम आदमी के शोषण की क्या देता है, सलाह देता है। और पाठ में इससे संबंधित जो अंश है वो कौन सा अंश है, जो उनके विचारों को बताता है, और वो अंश ये रहा। उसके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है, मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूं, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहां क्या हो, कुछ ऊपरी आए हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव क्या होती है, प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है,
और इसमें उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है और इसी से क्या होती है, उसी से बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें और क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझे वो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की क्या है, कमाई है। वे बेटे हमारा रिश्वत न लेने पर उनकी पढ़ाई लिखाई को व्यर्थ मानते हैं, पढ़ना लिखना सब क्या गया, अकारण गया। तो ये क्या है, ये कहानी का वो अंश है जहां से बंसीधर के पिता के व्यक्तित्व के बारे में पता लगता है कि वो बिल्कुल एकदम भ्रष्ट किस्म के आदमी थे। अगला बात करें वकील साहब की, तो वकील समाज के उस पैसे का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सिर्फ अपने लाभ की क्या करते हैं, फिक्र करते हैं। उन्हें न्याय अन्याय से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें केवल किससे मतलब होता है, उन्हें केवल धन से मतलब होता है। अपराधी के जीतने पर वे प्रसन्न होते हैं, वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। स्वयं जन बांधवों ने रूपों की लूट की, उदारता का सारा घमंड उभर पड़ा, उनकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। तो वकीलों ने नमक के दारोगों को चेतावनी तक दिलवा दी। अब ये जो वकील का जो स्वभाव है कि वो भी धन के पुजारी है, उन्हें केवल धन से मतलब होता है, चाहे न्याय किसी को भी मिले उन्हें न्याय अन्याय से कोई मतलब नहीं होते है। जो जिस व्यक्ति का वकील केस लड़ रहा है, चाहे वो गलत है या सही है, अगर वो जीत जाता है तो वो अच्छे खासे धन रुपए कमाते हैं और उसी मंशा से वो केस भी लड़ते हैं और उन्हें न्याय अन्याय से कोई लेन देना नहीं होता है। ये बात कहां सिद्ध होती है, देखें। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानस को झेलना पड़ा। नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक लाली ने उसके विवेक और बुद्धि को क्या कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। इन पंक्तियों से पता चलता है कि जो वकील है वो केवल वो भी उसी धन के मकसद से ही अपना काम करना चाहते हैं, उन्हें न्याय अन्याय से लेन देना नहीं होता है। अगला, शहर की भीड़। तो शहर की भीड़ तमाशा देखने का काम करती है, उन्हें निंदा करने व तमाशा देखने का मौका चाहिए, उनकी कोई विचारधारा नहीं होती। लोपी दिन की गिरफ्तारी पर शहर की भीड़ की प्रतिक्रिया तो देखो, यानी जो शहर की भीड़ है उनकी क्या सोच होती है, उनका केवल काम होता है निंदा करना और खड़े होकर तमाशा देखना, ठीक है। उनके कोई विचारधारा या वो किस प्रकार की स्थिति है उससे कोई लेन देना नहीं होता, किस कारण हो रहा है उससे भी उन्हें कोई लेन देना नहीं होता। अब देखो ये बातें कहां से पता चलती है, कविता के अंदर बात कही गई है कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, निंदा की बोचारे हो रही थी, मानो संसार से पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित बनाने वाले सेठ साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दने चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दिन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में गलानी और शोक भरे लज्जा से गर्दन झुकाकर अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि लोगों का लोग क्या हो रहा है, हकीकत से कोई लेन देना नहीं है, उन्हें केवल निंदा करने और तमाशा देखने का मौका चाहिए, बस वो उसके लिए हाजिर रहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में वायदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय तो बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव क्या होती है, प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है और इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती, परंतु ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है और इसी से उसकी क्या होती है, बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाओ। तो यह किसकी उक्ति है, यह किसने कहा है, तो यह जो कथन है ये नौकरी पर जाते हुए अपने पुत्र को हिदायत देते समय वृद्ध मुंशी जी ने कहा था। मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद क्यों कहा गया है, तो देखें जिस प्रकार पूरे महीने के अंदर सिर्फ एक बार पूरा चंद्रमा दिखाई देता है पूर्णिमा के दिन, वैसे ही वेतन भी पूरा एक साथ एक ही बार दिखाई देता है महीने में एक दिन। उसी दिन से चंद्रमा का पूर्ण गोलाकार घटते घटते क्या हो जाता है, फिर लुप्त हो जाता है। वैसे ही जिस दिन सैलरी प्राप्त होती है उसी दिन से वेतन में धीरे धीरे घटते घटते वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इन दोनों में आपस में समानांतर के कारण ही, ठीक है,
इन दोनों में समानताओं के कारण ही मासिक वेतन को क्या कहा है, पूर्ण मासिक का चांद कहा गया है। अगला, क्या आप एक पिता के इस व्यक्तित्व से सहमत है? तो एक पिता के द्वारा अपने पुत्र को जो इस प्रकार का मार्गदर्शन दिया गया है वो बिल्कुल अनुचित है, उचित नहीं है। माता पिता का कर्तव्य बच्चों में ऐसे अच्छे संस्कार डालना है, न कि उन्हें गलत मार्ग पर भटकाना। सत्य और कर्तव्य निष्ठा बताना है। ऐसे में पिता के ऐसे व्यक्तित्व से हम सहमत नहीं है। यानी एक माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों या औलाद को सही रास्ता दिखाए, न कि उन्हें गलत रास्ते के लिए प्रेरित करे। अगला प्रश्न, नमक का दारोगा कहानी के दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार का भी स्पष्ट कीजिए। यानी नमक का दारोगा जो कहानी है इसके दो अन्य शीर्षक क्या क्या हो सकते हैं? पहला है सत्य की जीत। इस कहानी में सत्य शुरू में प्रभावी रहा और अंत में भी बंसीधर के सत्य के सामने लोपीदीन को हार माननी पड़ती है। अतः हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर की शुरुआत भी सत्य के साथ ही हुई थी और समाप्ति भी सत्य के जीत के साथ ही हो रही है। अतः इस चैप्टर का नाम क्या हो सकता है? सत्य की जीत हो सकता है। दूसरा, ईमानदारी। बंसीधर ईमानदार था, वह भारी रिश्वत से भी प्रभावित नहीं हुआ। अदालत में उसे हार मिली, नौकरी छूटी, परंतु उसने ईमानदारी का त्याग नहीं किया और अंत में लोपीदीन स्वयं उसके घर पहुंचा और उस गुण के कारण उसने अपनी समस्त जायदाद का क्या बनाया, मैनेजर बनाया। तो यह कहानी कहीं न कहीं ईमानदारी से भी संबंधित है। तो इसका जो टॉपिक है या जो शीर्षक है वो ईमानदारी भी हो सकता था। अगला प्रश्न, कहानी के अंत में अलोपीदीन के बंसीधर को नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। और इस कहानी का अंत आप किस प्रकार करते? यानी इस कविता के कहानी के अंत में अलोपीदीन ने बंसीधर को अपनी समस्त प्रॉपर्टी का मैनेजर बना दिया, क्यों बनाया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, और आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं? तो कहानी के अंत में अलोपीदीन द्वारा बंसीधर को नियुक्त करने का कारण तो स्पष्ट रूप से यही है कि उसे अपनी जायदाद का मैनेजर बनाने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति मिल गया। दूसरा, उसके मन में आत्मग्लानि का भाव भी था कि मैंने इस ईमानदारी की नौकरी छिनवाई है तो मैं इसे कुछ सहायता भी प्रदान करूं। अतः उन्होंने एक तीर से क्या कर दिए, दो शिकार कर दिए, कि उसने अपनी ईमानदारी का परिचय भी दे दिया और अपनी संपत्ति के लिए उसको मैनेज करने के लिए एक ईमानदार मैनेजर भी उसे मिल गया। अब जहां तक इस कहानी के समापन की बात है तो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया समापन ही सबसे ज्यादा उचित है, पर समाज में ऐसा सुखद अंत किसी ईमानदारी को देखने को ही मिलता है। अक्सर अपना क्या मिलता है, अक्सर आज के जमाने में एक ईमानदार व्यक्ति को अपमान ही जगह जगह पर सहना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अपने अध्याय 11 नमक के दारोगा के जितने भी अभ्यास के प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।